गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द TSN स्कूल. नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 11, द प्रपोजल. ये एक एक्ट है, मीन्स एक नाटक है जिसके अंदर एक मैरिज प्रपोजल के लिए बात की गई. प्रपोजल मीन्स किसी के सामने कुछ प्रस्ताव रखना, ठीक है. तो ये एक नाटक है जिसके बारे में हम एक मतलब एक्ट है पूरा, ठीक है. इसमें तीन कैरेक्टर्स है मेन. जो फर्स्ट है वो आपका है स्टीपनोविच चुबुको, ठीक है. वो क्या है, एक लैंड ऑनर है, मीन्स एक ज़मींदार है. दूसरा है नतलिया, जो कि किसकी बेटी है, चुबुको की बेटी है, 25 ईयर्स ओल्ड है. एंड थर्ड कैरेक्टर इसके अंदर है इवान लोमो, जो कि क्या है, उन्हीं का पड़ोसी है, नेबर है. और चुबुको जो है वो भी क्या है, एक लैंड ऑनर है, वो भी काफ़ी अच्छा ज़मींदार है, लैंड ऑनर है. इनका जो तीनों जो कैरेक्टर्स हैं इनसे रिलेटेड ये पूरा एक्ट बना हुआ है. इसको हम रीड आउट करेंगे. चुबुको अ लैंड ऑनर, ठीक है. वो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, एक लैंड ऑनर. नाउ अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोस हाउस. जो चुबुको है वो कहाँ बैठा था, अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा था. फिर लोमोव आता है. लोमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स. चुबुकोव राइज टू मीट हिम. तो जब लोमोव अंदर आता है तो जो लोमोव है, जो उनका पड़ोसी है लोमोव, वो जब अंदर आता है तो उसने काफ़ी अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, और सफ़ेद कलर के जो है ना दस्ताने पहने, ग्लव्स पहने हैं. और चुबुको है जिसके घर में वो आता है, वो उससे मिलने के लिए खड़ा होता है. चुबुको माय डियर फेलो हुम आई सी इवन वैसिलेविच आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड. स्क्वायर्स हिज हैंड. नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज माई डार्लिंग. हाउ आर यू. चुबुको उससे मिलता है और उसको देखकर काफ़ी खुश होता है, उससे हाथ वत मिलाता है और कहता है बहुत अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ देखकर, मैं बहुत खुश हूँ, तुम कैसे हो. लोमो थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन. तो लोमो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ही बताइए कि आप कैसे, मतलब आपका यहाँ कैसा सब कुछ चल रहा है. चुबुको वी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन. सिट डाउन प्लीज डू. नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग. माय डियर फेलो व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन. कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रीजर. तो जो चुबुको है वो कहता है कि बस हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं मतलब अपने एंजल जो होते हैं गॉड वगैरह उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे साथ अभी चल रहा है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. तो वो जो लोमोव से चुबुको कहता है कि ठीक है आप बैठ जाइए, आराम से बैठिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे मिलने आए, क्योंकि हमें अपने जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, उनसे हमें अच्छा मेलजोल बनाकर रखना चाहिए. तो फिर चुबुको लोमो से फिर पूछता है कि आज आप इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर क्यों आए, आपने अच्छी काफ़ी अच्छा ड्रेस पहना है, दस्ताने वगैरह सब पहने, कहीं आप जा रहे हैं क्या. तो फिर लोमो जवाब देते हैं नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेफन स्टीपनोविच. लोमो कहता है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आप ही से मिलने आया हूँ. स्टीफन चुबुको से कहता है कि मैं सिर्फ आप ही से मिलने आया हूँ. देन चुबुको देन व्हाई आर यू इवनिंग ड्रेस माय प्रीशियस As you are paying a New Year's Eve visit. चुबुकोव कहता है अच्छा, बट आपने इवनिंग ड्रेस क्यों पहना है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस मीन्स बहुत ज़्यादा महंगी होती है, कॉस्टली होती है, वो ड्रेस आपने पहना है. ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को नए साल की मुबारकबाद देने आए हो, मतलब कोई अच्छा ओकेज़न है इसलिए आप मेरे पास इतना अच्छा ड्रेस पहन कर यहाँ पर आए हो. लोमो कहता है वेल यू सी इट्स लाइक दैट दिस टेकन एग्जाम आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help. And you have always, so to speak, I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stephen. तो लोमो कहता है कि ठीक है आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसअप होके आया हूँ, बट मैं सिर्फ आप ही से मिलने आया हूँ और आप ही से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ. फिर थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि पहले मैं पानी पीऊँगा, तो मुझे प्लीज़ पानी दीजिए. तो वो पानी पीता है. चुबुको असाइड हज कीव टू बोरो मनी शैन कीव हिम एनी वॉट इज़ इट माई ब्यूटी.
चुबोकोव को ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे क्या करने आया, पैसे वैसे मांगने आया है। तो अपनी बेटी से पूछता है कि मैं उसको पैसे दे दूँ क्या अगर वो मुझसे मांगता है। तो लोमो कहता है, यू सी ऑनोट आई बैग पार्डन स्टीफन हॉरोविच मीन आई एम ऑफली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी थॉट आई डोंट डिजर्व इट ऑफ कोर्स एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। तो लोमोव कहता है कि आप मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मेरा मतलब ये है कि मैं काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होके यहाँ आया हूँ, तो आप मेरी एक मदद कर सकते हैं क्या? मैं आपसे एक मदद की उम्मीद लेकर आया हूँ और मुझे ऐसा विश्वास भी है कि शायद आप मेरी मदद अच्छे से कर देंगे और आपको मतलब आपको अधिकार भी है मेरी मदद करने का, तो आप शायद मेरी मदद कर ही देंगे। चुबोकोव, डोंट गो राउंड राउंड इट डार्लिंग स्पिट आउट वेल। चुबोकोव जब लोमो उससे कहता है कि मतलब मेरी आप हेल्प कर दे, मुझे आपसे हेल्प चाहिए, तो वो घुमा घुमा कैसे बात कर रहा था। तो चुबोकोव कहता है, प्लीज़ घुमा घुमा कैसे बात ना कीजिए, जो भी कहना है ठीक से फटाफट क्लियरली मुझे कह दीजिए। लोमो, वन मोमेंट दिस वेरी मिनट द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया इन मैरिज। तो लोमोव ने एक ही क्षण में और एक ही मिनट के अंदर मतलब फटाफट से अपनी बात कह दी, कहा कि मुझे आपकी बेटी जो नतालिया है उससे शादी का हाथ मांगना है, मतलब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप उसका हाथ अब मेरे हाथ में देंगे? ऐसा करके वो बोलता है, प्रपोजल रखता है अपना। चुबोकोव, जॉयफुली, बाय जॉब एवान, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। चुबोकोव बहुत ज़्यादा खुशी से हो जाता है और कहता है, ओहो सच में ऐसा तुम बोल रहे हो, एक बार फिर से ये बात बोलो, मतलब मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। लोमो, आई हैव ऑनर टू आस्क। लोमो कहता है, जी बिल्कुल, ऐसा करके वो वापस रिपीट करता है। चुबोकोव, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इनडीड एंड ऑल दैट शॉर्ट ऑफ थिंक आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। It's been my continual desire and I have always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both his help and his love and so on and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with my all soul, I will go and call Natasha and all that. तो जो चुबोकोव है वो कहता है, ओ मैं बहुत खुश हुई बात जानकर, और सबसे ज़्यादा खुशी मतलब खुशी के मारे वो उसके हाथ पर चूम लेता है, ऐसे हाथ लग के और गले वगैरह लगता है, उसको काफ़ी खुश होकर वो अपनी मतलब फीलिंग्स बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई बात सुनकर, और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी मतलब भगवान ने, मेरे एंजल्स ने मेरे लिए इतना अच्छा बेटे के रूप में तुम्हें खुद भेज दिया, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को सुनकर, और मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है तुमसे कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे, सब कुछ अच्छे से करोगे, तो मैं तुम्हें मतलब आशीर्वाद भी देता हूँ, और मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुश भी हूँ। ठीक है, मैं नतालिया को बुलाता हूँ और उसे ये सब मैं बता देता हूँ। लोमो ग्रेटली मूव्ड, लोमो जो है वो मूव्ड करते हैं। ऑनर्ड स्टीफन, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? चुबोकोव, व्हाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड एज इफ शी वांट कंसेंट, शी इज इन लव एज इट, शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शी नॉट बी लॉन्ग। तो जो लोमो है वो कहता है कि अच्छा मैं मतलब उस मुझे आपको क्या आप जो लोमो है चुबोकोव से पूछता है कि अच्छा आपको क्या लगता है कि वो मुझे हाँ करेगी, मतलब आपको विश्वास है? चुबोकोव कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो ज़रूर तुम्हारी बात से सहमत हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है एक मतलब लव में, मतलब उसे भी तुमसे प्यार है, और वो ज़्यादा समय तक ऐसे दूर तुमसे रह नहीं पाएगी, और वो तुम्हारी बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगी, तो तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। लोमो, It's called. I am trembling all over just as if I had got an examination before me. The great thing is, I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal, for real love, then I will never get married. But it's called. Natalia Stephen is an excellent housekeeper. Not bad looking, well educated, what more I do want, but I'm getting a noise in my ears for excitement, drinks, and it's impossible for me not to marry. In the first place, I'm already 35, a critical age, so to speak. In the second place, I ought to
लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। तो काफ़ी ठंड हो रही थी तो वो जो लोमो था ठंड से काँप रहा था, तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आज मैं कोई एग्ज़ाम देने आया हूँ और मुझे बड़ा सा टेंशन सा हो रहा है, ऐसा वो फील कर रहा था। अब उसे ये बात मतलब ठंड के कारण अपने अपना जो प्रपोज़ल लेकर वो सबके सामने आया था, तो उसे ये लग रहा था कि नतल्या बहुत अच्छी लड़की भी है, बुरी भी नहीं दिखती, मतलब दिखने में भी अच्छी खासी है और पढ़ाई में भी अच्छी खासी है, मतलब एजुकेटेड भी है, तो मुझे और क्या चाहिए। और इतने में उसे एक आवाज़ आती है कि ड्रिंक्स लीजिए, और मतलब ये लेके वो ड्रिंक करना स्टार्ट करता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है नतल्या को देख कर, क्योंकि वो सोचता है कि मैं पहले से 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, अब मेरी जो उम्र है वो शादी की निकल जाएगी, इसलिए ऐसा अच्छा है कि जल्दी से जल्दी मैं शादी का प्रपोज़ल रख के इनके सामने से शादी कर लूँ। और एक नेबर्स ने जिन पड़ोसियों को हम जानते हैं तो उनसे अगर मैरिटल हमारे जो रिलेशंस बनते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I am excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there is a twitch in my right eyebrow. But the very worst of all in the way I sleep. I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jump up like a lunatic, walk about a bit and lay down again. But as soon as I begin to get off to sleep, there's another pull. And this may happens 20 times. कहता है कि मतलब ठंड से मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैं पूरा काँप रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मतलब वो बता रहा है अपने बारे में कि मुझे क्या है, मैं 35 ईयर्स का तो हो चुका हूँ और ठंड से मैं बहुत ज़्यादा कप कपी चढ़ रही थी उसके अंदर। उसके बाद वो बताता है कि मैं क्या हूँ, मतलब मेरा सोने का थोड़ा सा तरीका ख़राब है, जब मैं सोने लगता हूँ तो मैं खराटे वराटे लेता हूँ, आवाज़ लेता हूँ और इधर से उधर पूरा बिस्तर में ख़राब कर देता हूँ। तो अगर मैं इस लड़की से मतलब मेरी शादी होती तो हम दोनों कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे रहेंगे, तो ऐसा वो अपने बारे में सोच रहा है कि अब जो नतल्या है वो दिखने में भी सुंदर, एजुकेटेड भी और एक गृहिणी टाइप की लड़की है, तो शायद उससे शादी करके मैं हमेशा खुश रहूँगा और वो मुझे अच्छे से समझेगी। नतल्या, well there it's you and papa said, go there is a merchant come for his goods. How do you do, Ivan? इतने में नतल्या आती है, कहती है ओहो तुम कैसे हो, पापा ने मुझे बताया कि तुम यहाँ आए हुए हो, आप कैसे हैं इवान? लोमो, how do you do, honor नतल्या? उसने पूछा आप कैसी नतल्या? नतल्या अब जवाब देती है, you must excuse my apron and lies. We are shelling peas for dying. Why have not you been here so such a long time? Sit down. जो नतल्या वो कहती है ओह आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं इतना लेट आई हूँ, क्योंकि मैं मटर छील रही थी, उसमें मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए मुझे काफ़ी देर हो गई और आप काफ़ी देर से बैठे, तो अब आप लंच लेंगे? मतलब वो मुझसे पूछती है कि वॉन्ट यू हैव सम लंच, कि आप लंच लेना लंच मतलब लंच करके ना पसंद करेंगे, लंच लेंगे आप, ऐसे पूछती हैं। तो लोमो, नो थैंक यू आई हैव हैड सम ऑलरेडी, कहता है नहीं नहीं थैंक यू सो मच, मैंने पहले से कुछ ना कुछ थोड़ा ले लिया है। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।